बाजार में भाई साहब, संडे मार्केट। क्या बोला है? संडे मार्केट, संडे मार्केट जा रहे हैं। जल्दी आ जाओ, मोटरसाइकिल चलना एकदम से। अभी ना सुन, तो तुम जाती हो पचास भी लेना है। बेटा नाली में ना गिर जा पुत्र। भाई साहब बिल्कुल सही स्टंट हुआ। तुमने क्या कर रखा? और लपेट कार में लाइट होनी थी सही। आज कल कुछ जाना मुझे लंबा भाई का वॉशेबल पानी बिखर जाए, साबुन कुछ भी सरफ से साफ करो, कॉलिंग साफ करो। नीचे बोर्ड है पूरा, ये लकड़ी का डाल फ्रेम वाला डिजाइन ऊपर, ये गिट्टी लगा रखी है आराम से, मतलब आवाज नहीं करने के ऐसे ही है। ये बाईस सौ रुपये दौर रखवाओ। चलो हाँ जी, मगर 2200 रुपये दौर रखवाओ। प्रिया बोला सही, कौन सी लकड़ी? सही वो लकड़ी बाहर वाली, लकड़ी वाली। हाँ। लुक उसका अच्छा नहीं, लुक उसका अच्छा। देखो मेरी बात सुनो, जो ताकत उसकी है इसकी नहीं है। पहली बात, सोफे कलर तो सोफे तो कर दे सही, अपने सोफे से सही करा दो। हाँ सही करा देंगे आपको, कुछ दिक्कत है सोफे में बताओ। नहीं कपड़ा चाहिए, उसे बोलूंगा मैं उसे। इसमें कॉफी नहीं, हमारे सोफों के साथ में चलेंगे ना। 2500 नॉर्मल है ठीक है, हम भी तो साफ कर देंगे भैया। कुछ दिक्कत तो नहीं है, हम आपको क्वालिटी का चल पड़ा ना। हल्का बहुत, आधा घंटा पैसे तोड़ेंगे तुम्हारे साथ मिलकर, आधा घंटा है ना। स्क्रैच ऐसी रहेगा। दूसरी बात ये भाई, ये बदलनी थी, वजह क्या है? साल भर में, डेढ़ साल में, दो साल में ये हल्का तो फिक्का पड़ेगा, ये भी हल्का सा फिक्का पड़ेगा। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फिक्का पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसे रहेगा। देखो खोल के देखो, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। आज ले जाओ कल ले जाओ तो सही है ना। सूखी धूप बत्ती ले लो तुम, बहुत सूखी धूप बत्ती। एक पानी दे दियो। अब भाई तो पिंचर लगाऊंगे तो फिर वो वाली कील नहीं मिलेगी जिससे पिंचर हुआ। ये तो जगह तो मैं कहीं और, यहाँ रात को पिंचर होगा गाड़ी में, तो गाड़ी का पिंचर जुड़वा रहे हैं अभी। भैया कह रहे तीन चार कील तो निकाल दी इन्होंने जिस कील से पिंचर, वो कील नहीं मिल रही अभी टायर में, मतलब पिंचर लगवा भी देंगे तो फिर पिंचर हो जाएगा। 3-4 कील और निकल गई, पता नहीं कैसे हो गया, इतनी सारी भी कील कैसे घुस गई गाड़ी में। पर जो होना होता तो हो गया रहता है, देखो गाड़ी उस पर लगा रखी तो ये निकाल रखा। घर से फ़ोन आ रहा है, बच्चे परेशान हैं, मैसेज को लाइव करना है, ये फ़ोन मेरे पास है, गाड़ी में पिंचर हो गया। सारी परिस्थिति ऐसी हो गई एक साथ जो ना होने वाली।
और क्या कर सकते हैं बताओ, मजबूरी है, गाड़ी चलेगी नहीं तो घर जाएंगे कैसे। तो अभी चलिए, मैं कचहरी से आया था, फिर मुझे तुरंत कहीं काम आना पड़ गया तो मैंने हुडी डाली। फिर यहाँ दिलवाई थी मुझे हुडी पिछले साल, वही हुडी मेरे पास है। फिर गाड़ी से करवा तुरंत घर चल रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है आज ही। प्रिया नहीं तो लाइव नहीं कर पाना जी, भैया की दुकान खुलवाई रात को, परेशान करा मैं। वैसे भाई शुक्रिया आपका रात को आने के लिए, बात है खैर। हम कुछ हम धराउंड काट दे तुम्हारी, अगर तुम प्यार से नहीं आते तो भाई और क्या करा तो जाते ही भाई है। हाँ बस परेशान नहीं, देखो ये पिंचर जैसी महत्वपूर्ण चीज़ है। सही है भाई, निकल के कील वगैरह अब तो कुछ नहीं, भगवान भरोसे है। मुझे लग रहा रिम भी कट गया, सही है गाड़ी आगे से कुछ आवाज करे। मिस्त्री क्या ठीक है, मैं कह रहा हूँ दिक्कत है मिस्त्री उससे, तो किसी का याद नहीं कर रहा भाई, सब घर वाले याद करेंगे। गुस्सा करने के लिए परिवार में लोग हैं, याद नहीं करने का कुछ खास रहा तो कर ले, दोस्तों को पूछो मंदा। हमारा फोन आ रहा था बेचारा, अगला तीन बार फोन करा, फोन जी ने छुट्टी किसी कितना टाइम रखा नहीं, कुछ मैं कुछ कह रहा हूँ कुछ अच्छा होता है, चेहरा ठीक सा हो गया थोड़ा, पहले ऐसे हो गया था, सेहत डाउन से चली गई थी अब। हेलो सही है, तेज बत्ती डाल दो सो क्या बात है, उस पे खड़ा ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हटा लो जाएगा हटा वो उसके उसमें कैप लगा दो कर। जुड़ गया, हो गया भैया बस, चले भाई धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत आपका, आपके पिताजी को भी आपको भी और भाई छोटे भाई आपको भी धन्यवाद है, क्योंकि घर पहुंचना मतलब असंभव सा हो जाता बिल्कुल हमारे लिए, तो भाई कैसे घर पहुंचते हैं, क्यों जी संदीप भाई घर नहीं पहुँचते, जाते कैसे जाते, गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ती कहीं साइड में, यहाँ से किसी गाड़ी मांग के जब जाते गाड़ी तो मिल जाती है इससे, अपने ही मकान है आगे मकान है अपना, साला भी है क्या हमारा, साला भी है हस्ता हो गई, अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, बढ़िया है, हमारे गुरुजी का क्षेत्र है यहाँ, तो हमें हर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, एक फोन फोन पे उसका भी हमारा थाने वाला है, कांटेक्ट बहुत बड़ा है उसके, मैंने आके अच्छा जी भाई, जब मुझे भी तुम कहीं घूम लो, अच्छा जमींदार आए बड़े पैसे वाले, जम्मू दीपक कहीं भी साला कोई 10 रुपये नोट टिकट नहीं ले सकता, तो थाने में विवाद बड़े बहुत है भैया, कि ना अच्छा पता लगा किसी अच्छी बात है, ना ना जितनी अपनी जानकारी कम दोगे लोगों को उतना अच्छा, ज्यादा लोगों को बताने से कोई चीज अपनी कोई लाभ थोड़ी होता है, भजियत ज्यादा है, देखो मदद के लिए तो कम हाथ खड़े होते हैं, एक तो आर्मी में है, अच्छा एक साल हमारा सऊदी गया, हाँ। तो गया 12 साल, 12 साल अच्छा, 12 साल आदमी सऊदी रहता वो अच्छा होगा, वो कम से कम 60 जमीन है इन पे, बहुत बढ़िया संदीप भाई, हमने एक चीज़ अनुभव करी है जो हम देख रहे नहीं, हाँ मिला था ना, मेहनती आदमी को कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस मेहनत करते रहो, देर सवेर सब चीज़ें हो जाती हैं, इन्हें यहाँ से सोना मिला था बहुत, छोटू चलो आओ हाथ लड़ाते हैं, हाथ ऐसे उठाना हाथ को, छोटू ऐसे करते हैं हाथ, पहले ऐसे करो छोटे छोटो ऐसे, अभी हाथ मेरा पकड़ो, अब मेरे हाथ को इधर गिराओ, अरे ढा दिया ढा दिया ढा दिया, अरे मेरा हाथ ढा दिया, अरे मुझे ढा दिया, लो लो अब घोड़ा भी, ये देखो घोड़ा वैसे घोड़ा बनाने की खाया चला जाएगा, मैगी खाया चला जाएगा, कौन चला जाएगा, आ चलो तो चल मेरे को, टिक 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 टिक, आ चलो तो यहां पे टिक 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 टिक, ऐसे तो चलते हैं बट्टा, घोड़ा चला टिक 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 टिक, भगाओ जो पकड़ के भगाओ घोड़े को, चल टिक 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 टिक, बहुत भूख लगी है, चल मैं पानी पी के आता हूं, पानी पी के आते हो, पानी पी के आ गए सर,
अच्छा जी ये अब करियो की देखता हूँ इसमें हूँ। अच्छा जी अरे कैसे गिर गया भाई शेर। अरे मैंने क्या किया, मैंने कुछ ले जाओ और मैं आपको गिरा दूंगा। मुझे गिराओगे? गाइस कचहरी से निकलते निकलते बहुत लेट हो जाता है और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 7 बजने को हैं और मतलब काफ़ी लेट हो रहा है। सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सर। रास्ते बीच में रुक करके स्टोर से दवाई ली और पानी पिया थोड़ा सा, तब जाके हल्का सा हुआ है, लेकिन अभी भी आराम नहीं लग रहा सर, ये साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, और बताइए आप लोग। घुमाया उसे एक बार और। क्या क्या भाई, बैठा दे मांटू ऊपर, ऊपर ही तो बैठने कह रही बेटा, वो लड्डू खाओगी वो ऊपर बैठ के।
इनका तो काफी ब्लैजर्स हो चुका है, हमें इन्हें इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट करना होगा।